सब्सक्राइब कीजिए टेक फॉर सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप सबको मैं फैब्रिक पेंटिंग के आइडियाज़ एंड वे ऑफ मेकिंग के बारे में बताना चाहती हूँ कि किसी भी नॉर्मल से फैब्रिक को हम पेंटिंग के थ्रू बहुत ही ब्यूटीफुली एंड बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। फैब्रिक पेंटिंग के थ्रू मैंने कुछ कुशन कवर्स डिज़ाइन किए हैं, अलग अलग पैटर्न यूज़ करके, अलग अलग कलर यूज़ करके। जो तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं आप अपने घर पे। ये हमारे घर के बेड पे, सोफ़ास पे काफ़ी अच्छे लुक देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुछ कुशन्स डिज़ाइन किए हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कैसे मैंने इसे तैयार किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ कुशन कवर है जो मैंने पेंटिंग के थ्रू डिज़ाइन किए हैं। तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है। मैंने इसके लिए मिक्स कॉटन फैब्रिक का सिलेक्शन किया है। आप चाहो तो कॉटन का फैब्रिक भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पे मिक्स कॉटन यूज़ किया जो थोड़ा शाइनी इफ़ेक्ट देता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि पहले हमें फैब्रिक लेना है एंड कुशन के साइज़ के अकॉर्डिंग उसे कट कर लेना है। एक्स्ट्रा हम लोग साइड में स्टिचिंग के लिए स्पेस छोड़ेंगे अप्रोक्स 1 इंच का। तो हमें कार्बन पेपर और ट्रेसिंग पेपर के हेल्प से हमें अपने सेलेक्टेड किए हुए अपने मनचाहे डिज़ाइन को पहले ट्रेस करना है। उस पर हम लोग ट्रेस कर लेंगे, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ फ्रेम, जो लकड़ी के फ्रेम आते हैं या प्लास्टिक के फ्रेम आते हैं, आप मार्केट से इजीली ले सकते हैं, उसे फ्रेम के थ्रू हम अपने फैब्रिक को सेट करेंगे, कपड़े पे फ्रेम को सेट करेंगे। उसके बाद जो भी कलर आपको अपने अकॉर्डिंग आप कलर सिलेक्शन कर सकते हैं, कलर फिल करेंगे हम अपने पैटर्न पे। और जब आपके कलर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम इसे क्या करेंगे, स्टिच कर देंगे अकॉर्डिंग टू कुशन साइज़ हम लोग स्टिच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसे अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। आप चाहो तो बहुत सारे पैटर्न हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, आप वो सब यूज़ करके आप काफ़ी अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप विदाउट कार्बन पेपर एंड ट्रेसिंग पेपर भी आप फ्री हैंड स्केचेस ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपको बनाना क्या है। तो आप फ्री हैंड भी बना सकते हो, और इसके लिए आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, पेन का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो कलर मैंने यूज़ किया है वो है एक्रीलिक कलर, इसे हम फैब्रिक कलर भी बोलते हैं। फैब्रिक कलर स्पेशली कपड़े पे पेंट करने के लिए ही बना होता है, ये स्टेनेबल नहीं होता है। तो फैब्रिक कलर आप मार्केट से ले सकते हो, और इसे अप्लाई करने के बाद जब ये आपकी पेंटिंग अच्छी तरीके से सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तो 24 आवर्स के बाद आपको इसे बैक साइड पे, रिवर्स साइड पे इसे आयरन करना होता है। उससे क्या होता है कि हमारा पेंट एक तरह से फिक्स हो जाता है और ये वॉश करने पे भी नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब स्टेप आप ध्यान रखिएगा, ये सब कि जब आप फैब्रिक पेंटिंग करते हो तो आपको पानी लेस यूज़ करना है, ज़्यादा पानी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा कलर ही यूज़ करें। तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप एंड साइजेस के कुशन कवर डिज़ाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, एंड आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं, अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा, एंड आई होप टू कि आप सब इसे ट्राई करेंगे। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। कुशन, वैसे तो मार्केट में आजकल कुशन कवर हमेशा से ही डिमांड में रहते हैं, एंड इसके काफ़ी रेंज भी अवेलेबल है, बट ट्राई समथिंग हैंडमेड, क्योंकि जब आप कुछ हैंडमेड बनाते हो तो वो आपको एक्सप्रेस करता है एंड आपको एक इंटरनल
खुशी हैप्पीनेस देता है आपको। सो मैं चाहूँगी कि आप इसे ट्राई करें। फ्रेंड्स, कुशन कवर के डिमांड की बात करें तो वो हमेशा सही रहते हैं, एंड इनके प्राइस भी 5 पीसेस अगर आप लेते हो तो स्टार्टिंग 500 to 600 स्टार्टिंग प्राइस होती है। तो अगर अगर इस 5 सेट को अगर आप अभी सेल करना चाहते हो तो ये मैक्सिमम 700 to 800 के लगभग इसका प्राइस होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी ऐड करके ये लगभग 750 to 800 के बीच में सेल होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप फैब्रिक पेंटिंग के थ्रू मतलब इसे एक हॉबी की तरह भी ले सकते हैं एंड बिजनेस पर्पस के व्यू से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी डिमांड में रहते हैं हमेशा। एंड सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो एंड मेरा ये कुशन डिज़ाइनिंग पेंटिंग अच्छा लगा होगा, एंड आई होप कि अगर आप पेंटिंग लवर हो तो आप इसे जल्दी ही ट्राई करोगे। अगर आप इसे ट्राई करते हो या बनाते हो तो प्लीज़ डू शेयर विथ अस, हमें अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।